नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। जाति प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण आदिवासी समुदाय के लोग परेशान। रायसेन में जाति प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण करीबन 35 गांव के लोग बनवासी कल्याण परिषद के बैनर तले आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन देकर मांग की है कि उनके जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाएं। वहां के पदाधिकारी ने बताया कि जातीय प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण यह लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। वहीं लगातार तहसील एवं एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या हल नहीं हो पा रही है। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बनवासी कल्याण परिषद से लोग आए हुए हैं। ये बहन जी आई हुई है, इन्होंने बताया कि कम से कम 35 गांव के लोग परेशान हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। जहां सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि आदिवासियों के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बान के आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देखिए कितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। लगातार आप देख रहे होंगे कितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए आप। इन दीदी का कहना है कि 35 गांव के लोग हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहा है, और जाति प्रमाण पत्र बन ना पाने के कारण इनको नौकरी की समस्या आ रही है, और भी कई समस्याएं आती होंगी। आज 75 साल हो चुके हैं इस देश को आजाद हुए, और लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। परेशानी भैया? सर, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं कॉन्ड्री भीमटोला से आया हूँ सर। मेरी उम्र करीबन 30 साल है सर, और मैंने पढ़ाई कर ली है सर, एमए कंप्लीट कर लिया, लेकिन जाति प्रमाण पत्र ना होने की वजह से सर मेरा को कहीं भी सरकारी जो भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, और मैं विकलांग भी हूँ, काफ़ी परेशान हूँ सर। और परिवार से भी अभी भी ऐसी बात चल रही है कि आपको बेदखल कर देंगे, आप कुछ कमाते नहीं हैं, ये और वो करके। तो सर मेरा जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा तो सर मैं कहीं ना अपना गुजारा कर सकूँगा सर। सबसे बड़ी समस्या जाति प्रमाण पत्र। क्या परेशानी है? भारतीय संविधान में जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशासन से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं। और हमारे भील समाज से जुड़े हुए सभी भाई जो रायसेन जिले के बनवासी क्षेत्र में निवास करते हैं, उनका थोड़ा कम पढ़ा लिखा होने की वजह से या अपने रिकॉर्ड को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए तहसील एसडीएम कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, और इन्हें बार बार वहाँ से खाली हाथ लौटा दिया जाता है। आज माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम ये विनती करना चाहते हैं सभी लोगों की तरफ से, इन लोगों को उचित कार्रवाई करके जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये समाज की मुख्य धारा में आने के लिए आगे बढ़ सके। किस संस्था से आए आप? मैं बनवासी कल्याण परिषद से जिला सचिव। क्या नाम है आपका? ब्रजेश राय। हमारे रायसेन जिले के जो भील समाज के जनजातीय लोग हैं, इनकी जाति प्रमाण पत्र की समस्या है। कितने साल से परेशान हो रहे हैं आप? ये करीब 30-40 साल से परेशान है। क्या परेशानी होती है इसमें आपको? जाति प्रमाण पत्र ना होने के कारण भील समाज शासन के द्वारा जो जनजाति समाज को आरक्षण दिया गया है उससे वंचित रहते हैं। इसके कारण इनको इनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बच्चों को आरक्षण नहीं मिलने के कारण से बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। किस संस्था से आई आप? मैं बनवासी कल्याण परिषद से हूँ जी। अभी तक आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? पिछले वर्ष में 2023 में कोडरी जो गांव है वहाँ के 200 जाति प्रमाण पत्र लेके झाबुआ गई थी, वहाँ से मैं बनवा के लेकर आई तो केवल 160 बने, क्योंकि वहाँ भी इन लोगों का रिकॉर्ड ना मिलने के कारण से 40 फॉर्म हमारे सबमिट नहीं किए। ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं? 35 गाँव से। ये सारे गाँव कहाँ हैं? सारे गाँव रायसेन जिले में।